अव्यक्त महावाक्यों का सार ज्ञान मोती। बाबा ने कहा, आप ब्राह्मण आत्माएं तो अन्य आत्माओं के पुराने पाप कर्म के खाते को खत्म करने वाले हो। अब आप खुद ऐसा कोई कर्म नहीं कर सकते जिससे कोई नया खाता बने। अगर अब तक भी कोई पुराना खाता रह गया तो वह दिल को खाता रहेगा। माया का कोई भी कर्ज ना रहे, नहीं तो वह मर्ज बन जाएगा। बाबा ने कहा, चेक करो कोई स्वभाव संस्कार या संकल्प रूप से माया का कर्ज रह तो नहीं गया। जैसे शरीर की बीमारी या कोई कर्ज हो तो वह बुद्धि को एकाग्रचित होने नहीं देता। न चाहते हुए भी बुद्धि बार बार उस तरफ जाती है। ऐसे ही यह माया के कर्ज का मर्ज भी मन और बुद्धि को एक बाप में टिकने नहीं देता, विघ्न रूप बन जाता है। बाबा ने कहा, अभी समाप्ति का समय है, इसलिए सब खाते समाप्त करो और चेकिंग के साथ साथ चेंज भी करते रहो। लेकिन चेंज तभी कर सकेंगे जब सर्व शक्तियां स्वयं में समाई होंगी। अपना स्वमान सदा याद रखो, मैं हूं ही मास्टर सर्वशक्तिमान। बुद्धि में किसी भी प्रकार का बोझ न हो, बिल्कुल हल्के रहो। हल्की चीज ही उड़ती कला में जा सकती है। और लास्ट में बाबा ने सारे कर्ज और मर्ज से मुक्त होने के लिए सहज युक्ति सुनाई। बाबा ने कहा, जितना तुम योग और सेवा में बिजी रहोगे उतना ही तुम्हारे पास किसी कर्जदार के आने की हिम्मत नहीं होगी। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।